एक्सप्रेस कियानी ने पाक फौज की कमान बाजाब्ता तौर पर जनरल राहील शरीफ इलान इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। जनरल राहील शरीफ इलान इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी के 15वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान को बेस बना रखा था, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जा रही थी, जिससे कौमी जिंदगी के तमाम पहलू तातुल का शिकार हुए। मुल्क की मईशत तबाह हुई और बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। दहशतगर्दों ने पूरी एजेंसी को यरगमाल बनाया। पुरान और मुहिब्बे वतन शहरियों को खौफ जदा किया जा रहा था। सड़कों पर जा बजा जलते टायर, सुनसान सड़कें, फजा में फायरिंग के गूंज, शहर कायद किसी मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। मुज़ाकरात खत्म, अब ऑपरेशन होगा। मुसल्लह फौज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में ज़र्बे अज़्म के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी हाँ, पाक फौज ने इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के अज़्म का इजहार किया है और कहा है की आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि ख्वातीनों हज़रात, आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 22,000 हमने सिविलियंस, जिसमें हमारे मासूम बच्चे भी हैं एपीएस के, शहीद कराए। 5,000 के करीब यूनिफॉर्म, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है, लेविज है, उसके बीच में वो हमने शहीद कराए। तकरीबन 48,000 लोग हमने सीरियसली इंजर्ड कैटेगरी में है। अब दुनिया इस जंग को एक भले इसको एक जो है ना कॉन्फ्लिक्ट समझे, दे मे थिंक दैट दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। एज आई लुक एट इट एंड एज यू लुक एट इट, आई एम श्योर इट्स अ वॉर ऑफ सर्वाइवल फॉर अस। ये हमारी बका की जंग है और इसको हम उसी तरीके से लड़ेंगे। और इसके बीच में जैसे मैं आपको कह रहा था कि इतनी शहादतें करा के जो है, जब हम कहते हैं कि शहीदों का लहू जो है वो रायगा नहीं जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो अबेटर्स हैं, जो फाइनेंसियर्स हैं, जो सिंपथाइजर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, दे शुड बी सॉर्टेड आउट एंड टेकन केयर ऑफ टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द कंट्री। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दुश्मन को वाजे पैगाम दे दिया। सिपा सालार ने कहा, कीमत कोई भी हो, वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। फौज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, चाहे वो रवायती जंग हो, चाहे गैर रवायती, चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। करप्शन में मुलविस पाक फौज के 11 अफसरान को बर्खास्त कर दिया गया है। कहना है जराए का, आप बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ के बदनवानगी खात्मे के हवाले से बयान के बाद आपको ये खबर दे रहे हैं, करप्शन में मुलविस पाक फौज के 11 अफसरान बर्खास्त कर दिए गए। लेकिन जराइम और कत्लो गारत तरीका गढ़ था, फिर रेंजर्स और हसास इदारों को मुकम्मल इख्तियार देकर कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस भी इस काम में साझेदार बनी। ऑपरेशन के नतीजे में कत्लो गारत तरी कम हुई, भत्ते की पर्ची आना बंद हो गयी, गोरी बदलाशी मिलने का सिलसिला आई है। दहशतगर्दों को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया गया है। तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान में रवाना हो चुके हैं, अपना असलह का बड़ा जखीरा भी छोड़ गए हैं पीछे, और साथ ही पाकिस्तान का परचम इस बात की गवाही दे रहा है कि रियासती अमलदारी की गवाही देने लगा है।
इस वक्त पाकिस्तानी परचम जो कि लहराया जा रहा है उस इलाके में जहां कभी दहशत गर्दों का राज हुआ करता था। बहुत पोटेंशियल है आप में, इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कीजिए, इस पोटेंशियल को आप आगे लेके चलिए और पाकिस्तान आर्मी ये आपकी आर्मी है जी। मिनिस्टर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे इधर सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने आर्मी के लिए बात की, आपने की, मैं अंदर आता हूँ, क्लैपिंग, ये सारा कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैं, आप, हम सब एक हैं और ये आपकी आर्मी है, दिस इज योर आर्मी। जो कुछ मैं कर रहा हूँ या जो कुछ हम कर रहे हैं या जो आगे करेंगे, ये आपके और हमारे सबके भले के लिए। नॉट लॉन्ग अगो दिस ट्राइबल रीजन ऑफ पाकिस्तान वॉज अ नो गो एरिया। North Waziristan Agency bordering Afghanistan was once known as the stronghold of local and foreign militant groups. After 2 years of operation, life here starts returning to normalcy. No one could imagine playing sports in this part of the region under the militants' control. Authorities have built modern hospitals, shopping centers, and schools in Waziristan to win the hearts and minds of the local population. Peace has returned to Waziristan. There is improvement. Now we hope that Pakistan government will bring the tribal areas.
And I can assure you that I am not only enlightened, but I feel that there are concrete steps which need to be taken, and taken very soon in this part of Balochistan, to satisfy our young generation and to realize this dream and to optimize the true potential of CPAC.